नमस्कार, चावला मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ ताजा तरीन खबरों पर। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू लगा पर फिर भी नहीं रुक रहा कहर, कई जिलों में हालात बेकाबू। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कहर बरपा रहा है, कई जिलों में तो हालात बेकाबू हो गए हैं। प्रदेश के अगर ऐसे जिलों की बात की जाए जहां संक्रमण के मामलों के साथ मृत्यु के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो इसमें जिला कांगड़ा टॉप पर बना हुआ है। जिला कांगड़ा में हर रोज भारी मात्रा में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मृत्यु के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हिमाचल के जिला कांगड़ा में सबसे अधिक 12,258 एक्टिव केस है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 2,962, चंबा में 2,198, हमीरपुर में 2,995, किन्नौर में 420, कुल्लू में 963, लाहौल स्पीति में 279, मंडी में 4,567, शिमला में 3,557, सिरमौर में 3,271, सोलन में 4,041 और ऊना जिले में 2,497 मरीज पहुंच गए हैं। मानवता हुई शर्मसार, कोरोना संक्रमित महिला को किसी ने नहीं दिया कंधा, बेटे ने अकेले कंधे पर उठाकर पहुंचाया शमशान घाट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रानीताल में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमित महिला की मौत के बाद उसे कंधा देने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। हिम्मत जुटाकर मां के शव को बेटे ने अकेले कंधे पर उठाकर शमशान घाट पहुंचाया और अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। कोरोना संक्रमित महिला भंगवार पंचायत की पूर्व प्रधान भी रह चुकी थी और उन्होंने बीते दिन घर पर ही दम तोड़ दिया था। गाँव से महिला के अंतिम संस्कार के लिए कोई भी आगे नहीं आया। हिमाचल के 3,615 पंचायतों को सैनिटाइज करने के लिए मिलेंगे 25,000। हिमाचल प्रदेश के 3,615 पंचायतों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्धारित 25,000 रुपए की राशि जारी की जाएगी ताकि कोरोना से बचाव के लिए प्रत्येक पंचायत को सैनिटाइज किया जा सके। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों, डीपीओ और बीडीओ को लिखित प्रमाण भी जारी किया गया है। इस राशि का इस्तेमाल लवारिस शवों के अंतिम संस्कार में भी व्यय किया जा सकेगा। सामान और खर्च का पूरा लेखा जोखा रखना होगा। पंचायतों के सैनिटाइज के लिए NCC, NSS, युवक मंडल, NGO और अन्य शिक्षित स्टाफ की मदद ले सकेंगे। सैनिटाइज करने वाले कर्मी को 300 रुपए के हिसाब से भुगतान करना होगा। यह भी कहा गया है कि यह काम स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया जाना है। 11वें, 12वें, 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग के खर्च न हुई राशि का इस्तेमाल पंचायतों के सैनिटाइजेशन में किया जा सकेगा। पेम्पा सेरिंग बने निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री। पेम्पा सेरिंग को निर्वासित तिब्बत सरकार का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। पेम्पा सेरिंग ने प्रतिद्वंदी केलसंग दोर्जे से 5,417 वोट से जीत दर्ज की। पेम्पा सेरिंग निर्वासित तिब्बत संसद से स्पीकर भी रह चुके हैं। टूटू मस्थाई पंचायत में टीम ने घर जाकर जांचा कोरोना संक्रमितों का स्वास्थ्य। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुवार को ग्राम पंचायत टूटू मस्थाई में कोरोना संक्रमित लोगों के घर जाकर जांच की। इस दौरान डॉक्टर विपाशा व्यास व आशा वर्कर किरण ने संक्रमित मरीजों का ऑक्सीजन स्तर व तापमान की जाँच की। इसके अलावा उन्होंने नियमित दवाइयों के सेवन को लेकर भी जानकारी प्रदान की है। विधायक व उसके बेटे के इस जज्बे को दुनिया ने करा सलाम। मानवता की जिंदा मिसाल पेश करते हुए विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और उनके बेटे के जज्बे को दुनिया सलाम कर रही है। यह घटना हमारे समाज के लिए भी एक सबक है। जानकारी के अनुसार जिला हमीरपुर में एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद व्यक्ति के शव को उठाने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा, शव वहीं पड़ा रहा। जबकि इसकी सूचना विधायक इंद्रदत्त लखनपाल को मिली तो उन्होंने अपने बेटे और पीए के साथ मृतक देह को शमशान घाट पहुंचाया। शमशान घाट पहुंचकर उन्होंने व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर सभी रस्में निभाई। उन्होंने अपने नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझते हुए अनोखी मिसाल पेश की है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के साथ इस मौके पर प्रधान व उप प्रधान अध्यक्ष लोगों की टीम ने भी भरपूर सहयोग दिया। हिमाचली प्लम्बर कोरोना की मार, नहीं मिल रहे अच्छे दाम। कोरोना की मार से हिमाचली प्लम को इस साल अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। सीजन की शुरुआत में बीते साल के मुकाबले प्लम के दाम करीब 20 से 25 फीसदी कम है। दिल्ली और मुंबई सहित महानगरों में लॉकडाउन के चलते डिमांड कम होने से दामों में तेजी नहीं आ पा रही है। सीजन की शुरुआत में रिकॉर्ड दामों पर बिकने वाले हिमाचली प्लम को इस साल अच्छी शुरुआत नहीं मिल रही है। कोरोना संकट के चलते बड़े शहरों में लगे लॉकडाउन के कारण रेहड़ी फड़ी पर फल नहीं बिक रहे हैं। निजी शिक्षण संस्थानों में ना फर्जी दाखिले होंगे, ना हड़प सकेंगे छात्रवृत्ति। हिमाचल प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों में फर्जी दाखिलों का खेल रोकने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का काम शुरू कर दिया है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन को इसका जिम्मा सौंपा गया है। इस सिस्टम के तहत निजी संस्थानों के विद्यार्थियों, शिक्षकों की हाजिरी से लेकर छात्रवृत्ति का रिकॉर्ड अपलोड होगा। एक क्लिक से आयोग कहीं से भी इसकी मॉनिटरिंग कर सकेगा। बिना RT-PCR रिपोर्ट लेह में एंट्री नहीं, प्रशासन ने की सख्ती। लेह प्रशासन ने इस बारे में
आदेश जारी किए हैं। ट्रक चालकों को उपसी पे रैपिड टेस्ट के बाद आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। पर्यटक, मजदूर और कारोबारी को बिना आरटीपीसीआर के सर्चों से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। पर्यटक और मजदूर बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के लेह नहीं जा सकेंगे। ऐसे में लेह लद्दाख की ओर जाने वाले पर्यटक और मजदूरों को 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ लेकर जाना होगा, अन्यथा उन्हें हिमाचल की सीमा सर्चों से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। बाजार में नहीं मिल रहे ऑक्सीजन रेगुलेटर। दवाइयों और बेड के संकट के बाद एक और चिंता ने सरकार को परेशान कर दिया है। प्रदेश में कोरोना के मामले अब रोजाना तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उनको चलाने वाले रेगुलेटर की भारी किल्लत हो गई है। रेगुलेटर उपकरण ऑक्सीजन सिलेंडर के सिरे पर लगता है। इसी रेगुलेटर के जरिए पाइप से होकर ऑक्सीजन मरीज के मुंह तक पहुंचाई जाती है, लेकिन बिना रेगुलेटर ऑक्सीजन सिलेंडर बेकार ही साबित होंगे। हालांकि प्रदेश में अब स्थिति खराब नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और पर्सनल भी मैसेज आए कि जो बीएड के एग्ज़ाम है वह कब तक हो सकते हैं। फिर मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि अभी कोरोना में कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही कोरोना कम होगा तो जून लास्ट में या जुलाई में एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे। ऐसी ही हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर एक ताज़ी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।